देश के करोड़ों लोगों की तमन्ना है। हमारा भारत ऐसा बने, हमारा भारत वैसा बने, नई ऊंचाइयों को छुए, और उसी प्रयास में आज हर भारतवासी फिर से एकजुट हो रहा है, अपने सपनों का भारत बनाने के लिए आगे आ रहा है, और उसे रास्ता दिखाने वाला सेवक भी मिल चुका है जो हर पल उनके साथ खड़ा रहता है। अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। आज गंदगी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हर तरफ ये युवा भारत की छवि को धूमिल कर रही है, जो दूसरी तरफ लोगों में बीमारियां फैला रही है, जिससे लड़ने के लिए और भारत की छवि को बदलने के लिए ये सेवक हर समय लोगों के साथ खड़ा है। ये हम लोगों का काम है, ये भारत माता हमारी माता है। भारत माता को गंदा करने का हम भारत बाहर के भक्तों को कोई अधिकार नहीं है भाई, कोई अधिकार नहीं है। ये सफाई हमारा काम है, ये सफाई कामदारों का काम है, ये गलत सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तभी तो आज स्वच्छ भारत अभियान हर भारतवासी का मिशन बन गया है, और इस मिशन को जन आंदोलन बनाने में सोशल मीडिया भी अहम भूमिका निभा रही है। आज हर कोई, चाहे वो अकेला हो या ग्रुप बनाकर, स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने में अपना योगदान दे रहा है, साथ ही YouTube पर सफाई की गई जगह का वीडियो भी अपलोड कर रहा है। वही भारत सरकार की वेबसाइट sbchallenge.mygov.in पर अपना नाम रजिस्टर कर सफाई की गई जगह और उसके पहले की स्थिति का भी फोटो अपलोड कर रहे हैं, और दूसरों को भी स्वच्छ भारत के अभियान में शामिल होने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। आइए देखते हैं ट्विटर और फेसबुक के जरिए स्वच्छ भारत के मिशन को साकार करने के लिए लोग किस तरह काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। देश अतीत में आगे चलने को तैयार है, और मैं अनुभव कर रहा हूं, हर शब्द को देश उठा रहा है, हर बात को देश रिस्पॉन्ड कर रहा है। देश का हर नागरिक चाहता है मेरा देश अच्छा नहीं होना चाहिए, मेरा देश आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता का अभियान हर किसी को लग रहा है। मैं पर्सनली यही कर रहा हूँ बचपन से कि मैं रोड पे कभी कुछ नहीं फेंकता, मैं हमेशा डस्टबिन में फेंकता हूँ। जिस तरह मानव के जीवन में हवा नाक के सामने रहती स्वच्छ मिले, ठीक उसी प्रकार देश को स्वास्थ्य के लिए ये स्वच्छता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देश में सारी चीजें हो चुकी है, स्वच्छता ही बकाया रह गई थी, इसमें सब में प्रगति कर लिया है, और जहाँ पे रुकावटें आ रही हैं तो मैं तो मानता हूँ कि ये बहुत ही पहली कड़ी है जिनने सोचा कि इसके वजह से हम बार बार कहते हैं कि हम ऊंचाई पर चले गए फिर भी हम पीछे गिराते हैं। मैं अपने आसपास में तो बल्कि अपने मोहल्ले में जा रहता हूं, मैं वहां बाकी मोहल्ले वालों से लड़ता रहता था कि वो कचरा वो बाहर अपने घर से फेंक देते हैं, तो मैं उनसे लड़ता था। अब उनको भी समझ में आ रही है कि वो कि नहीं ये ठीक बात है। पहले तो आप सोचते ही नहीं थे कि हाँ भाई कोई ये भी कोई कर सकता है, मतलब प्रधानमंत्री आके अगर खुद इतना बड़ा इंसान आपको कुछ कह रहा है आके कि यार तुम कम से कम कूड़ा तो साफ कर लो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो कम से कम अगर हम छोटी छोटी चीज़ करेंगे तब जाके तो आगे कुछ बड़ा हो पाएगा। हम अपने सराउंडिंग्स को साफ कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई जो जानवर होता है वो भी कम से कम अपना साफ करके बैठता है।